हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ज्योति और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टूडेंट खबरी की पाठशाला में, जहाँ हम लेकर आते हैं स्टूडेंट से ऑनेस्ट रिव्यूज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, दैट इज स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिले और बाद में उस कॉलेज में पर्टिकुलर जिसमें आप चाहते हो, प्रेफर कर रहे हो जाना, एक साल के बाद आपको पछतावा ना हो कि मैं कौन से कॉलेज में आ गया, कौन सी यूनिवर्सिटी मैंने चूज कर ली। तो हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट या डायरेक्टली नहीं मिलती है किसी से। हम वहाँ की, हम लोग को बच्चों का लिंक है वहाँ के जो भी कॉलेजेस का, हम बताते हैं आपको, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ से हमको टाई अप है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो हमको रिव्यूज़ देते हैं और वो रिव्यूज़ से हम कॉमन पॉइंट लेकर आते हैं आप तक, जो कि बहुत एसेंशियल है आपके लिए कॉलेज के पहले, एडमिशन लेने के पहले आपको वो पता होना चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी सब कुछ राइट टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ, एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। मेनली मैं आज इस यूनिवर्सिटी की पूरी इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में सब कुछ कवर करूँगी, एडमिशन कैसे लेते हैं, क्योंकि एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के भी ओपन हो चुके हैं। तो अगर आपको लग रहा है ये पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद कि हाँ मेरे को जाना चाहिए, तो आप एडमिशन ले सकते हो। और तो मैं इस कॉलेज के बारे, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ, तो ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 2016 में, प्राइवेट कॉलेज है ये, 2016 में हुआ था। तो आप ये कह सकते हो कि अभी का ही 2-3 साल पहले ही ये फाउंड की गई है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ का प्लेसमेंट और ये सब जो है, ये इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे करके, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है क्योंकि अभी ही हुई है, तो 3-4 साल में इतना ज़्यादा ग्रोथ आप सोच सकते हो कि इतना नहीं हो पाता है, फिर भी ये इम्प्रूव कर रही है। बाकी ये यूनिवर्सिटी जो है, इसको अगर इसके बारे में बताओ, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीजी लेवल के भी डिप्लोमा कोर्सेज, हर तरीके के कोर्स, चाहे आप मैनेजमेंट कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, कॉमर्स से रिलेटेड कर रहे हो, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, तो हर तरीके के यहाँ पे यूजी पीजी लेवल के डिप्लोमा कोर्स, पीजी लेवल के कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं। कैंपस यहाँ का लगभग 32 एकर्स में फैला हुआ है, तो हर रिक्वायर्ड फैसिलिटी स्टूडेंट को इन द कैंपस ही मिलती है, जैसे कि अगर लैब भी आपको चाहिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, या कोई और भी फैसिलिटी चाहिए, मैं बताऊंगी फैसिलिटीज क्या क्या ये देता है। तो हर तरीके की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को अंदर ही कैंपस के दी जाती है, सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको डिस्टेंस की बात करूं, तो मेन जो राजकोट में ये है यूनिवर्सिटी, ये राजकोट में है, तो राजकोट से अगर आप उसका रेलवे स्टेशन से बात करो, तो राजकोट का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है इसका कैंपस, और एयरपोर्ट जो है राजकोट का एयरपोर्ट जो है, तो वहाँ से नियरेस्ट डिस्टेंस आप लगभग समझ सकते हो कि 15 किलोमीटर आ जाता है, तो एसेसेबल रहता है, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आप इजिली एसेस कर सकते हो यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो पब्लिक प्राइवेट दोनों तरीके के ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाए जाते हैं यहाँ पे, तो उसकी दिक्कत नहीं आती। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि लोकेशन इतना ज़्यादा फार नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट बहुत अच्छा आप बोल सकते हो इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का। ये अफिलिएटेड की गई है UGC से और AICTE से, दैट इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से इनको अप्रूवल दिया गया है, और रिकॉग्नाइज भी किया गया है नेट के थ्रू, A+ ग्रेड इनको दी गई है इस यूनिवर्सिटी को। बाकी अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ की बात करूँ, फैसिलिटीज़ मैंने पहले बताया, तो फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे लगभग 30+ लैब्स बने हुए हैं रिसर्च से, या फिर और भी बाकी स्टडीज़ करना है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग यहाँ पे लैब्स बनाए गए हैं कि आप अलग अलग स्किल्स प्रैक्टिकली भी सीख सको, लैब में जाके और भी अच्छे से अपने आप को अपना अंदर एक्सपोजर ला सको, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे करवाई जाती हैं। यहाँ पे 54 डिपार्टमेंट है, मतलब अलग अलग कोर्सेज के लगभग 54 डिपार्टमेंट है, तो बहुत से डिपार्टमेंट, मतलब बहुत से स्पेशलाइजेशन में आपको कोर्सेज यहाँ पे अवेल करवाए जाते हैं, अवेलेबल करवाए जाते हैं। यहाँ पे हॉस्टल्स भी बने हुए हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए बने हैं, AC लेना है, नॉन AC लेना है, दोनों के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। स्पोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे बनाए गए हैं, कोर्ट्स बनाए गए हैं कि इंडोर आउटडोर गेम्स आपको खेलने, तो अलग अलग बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, तो हर चीज़ के लिए कोर्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो उसकी भी दिक्कत नहीं आती कि स्पोर्ट्स में कोर्ट्स की हमारे पास जगह कम है, या ऐसा बोला जाता है स्टूडेंट्स के, तो उसकी भी दिक्कत नहीं आती है कहीं ना कहीं। यहाँ ऑडिटोरियम भी है यहाँ पे, और लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है यहाँ पे, आप कभी भी जाके बुक्स पढ़ सकते हो 5000 से और भी ज़्यादा, 5000 से प्लस करो तो प्लस यहाँ पे बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर और भी कई तरीके की यहाँ पे बुक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं।
यहाँ अगर कोर्सेज की बात करूँ तो मैंने बताया यूजी पीजी डिप्लोमा पीजी लेवल के हर तरीके के यहाँ कोर्सेज होते हैं। मेनली यहाँ अगर कोर्सेज पर्टिकुलर मैं बताऊँ, एक तो यहाँ पे बीबीए करवाया जाता है, बीटेक होता है, बीएससी होता है, यहाँ पे बीआर्क होता है, बीए होता है, एलएलबी होता है, यहाँ पे बीए बीकॉम बीबीए बीसीए ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स, उसके ही अगर आप मास्टर भी करना चाहते हो तो यहाँ पे पीजी लेवल के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। एमटेक एमएससी ले लो, एमआर्क ले लो, मतलब जो जो पीजी यूजी लेवल के उसी के ये पीजी मास्टर्स भी करवाता है, और भी कई यहाँ पे कोर्सेज होते रहते हैं, तो मैंने डिस्क्राइब किया है नीचे, आप देख सकते हो वहाँ पे। अभी अगर मैं मेनली इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊँ कि मेन इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड में एडमिशन कैसे होता है, अगले वीडियो में बाकी की फील्ड्स भी बताने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं अभी इसमें बता रही हूँ टेक्निकल फील्ड की, बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं। पहली बात तो ये सीट्स इनटेक बहुत लिमिटेड रहते हैं, बहुत से स्पेशलाइजेशन में बीटेक करवाया जाता है, एमटेक करवाया जाता है। यहाँ पे बीटेक अगर आपको करना है तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, मैकेनिकल ले लो, यहाँ पे ऑटोमोबाइल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल इंजीनियरिंग, तो बहुत से फील्ड में होता है। मैंने नीचे डिस्क्राइब भी किया है, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो इजीली, तो उसमें भी वो डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि बहुत से स्पेशलाइजेशन में आप होते रहते हैं कोर्स। एडमिशन की बात आती है कि बच्चे वहाँ पे एडमिशन कैसे लें, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, अगर यूजी लेवल का कोर्स करना है तो आप उसमें भरोगे और आपके मेरिट के बेसिस में आपको वहाँ एडमिशन दिया जाएगा। बाकी ये भी ध्यान रखना कि बीटेक में अगर आप दे रहे हो, बीटेक में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो जेई के भी स्कोर्स देखे जाते हैं, और अगर आप बीआर्क में करना चाहते हो तो नाटा के स्कोर्स देखे जाते हैं, अगर आप एमटेक में तो गेट के स्कोर्स देखे जाते हैं यहाँ पे, और मेरिट के भी बेसिस में आपको वहाँ पे एडमिशन होता है, मतलब दोनों के बेसिस में आपको रैंक दी जाती है, कट ऑफ क्या आ रहा है, तो वो स्पेशलाइजेशन आप पर्टिकुलर आप जो प्रिफर कर रहे हो फिर उसके हिसाब से वो देते हैं आपको एडमिशन, तो ईजी एडमिशन है, कोई टेस्ट वगैरह भी इतना झंझट नहीं आता है कहीं ना कहीं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो और वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट करो, आपका डायरेक्टली वहाँ से एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको पता पड़ जाएगा कुछ ही दिनों में कि आप एडमिशन हो, एनरोल हो चुके हो या नहीं, आपके कट ऑफ के बेसिस में, मार्क्स के बेसिस में। अगर आपको बाकी जैसे यहाँ पे बच्चे ये भी बोलते हैं कि एकेडमिक के साथ और ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी बताऊँ, रिसर्च वर्क भी ये करवाता है ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी मेनली ये रिसर्च वर्क भी करवाती है, अलग अलग फील्ड में इन रिसर्च होते रहते हैं यहाँ पे। सोशल लाइफ में भी बहुत दिया जाता है ध्यान, मतलब इक्वली बैलेंस करके चलता है यहाँ पे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अगर पॉजिटिव पॉइंट इस यूनिवर्सिटी का बोलो तो ये भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इवेंट्स में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि बहुत से यहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस रेगुलर बेसिस में ये कंडक्ट होते रहते हैं, फेस्ट यहाँ होते हैं एनुअल बेसिस में, अलग अलग डेज यहाँ पे बनाए जाते हैं, और भी जो जैसे फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सी ये इनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, तो वो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, आप ऐसा बोल सकते हो। टूर्नामेंट्स, कॉम्पिटिशन ये सब होता है यहाँ पे। प्लेसमेंट मेन फैक्टर यही आता है कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, तो मैं ये बता दूँ कि प्लेसमेंट मैं जब रिव्यूज़ भी देख रही थी, मैंने डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं देखा, मैंने रिव्यूज़ भी देखे, तो रिव्यूज़ के हिसाब से ऐसा बताया गया था कि यहाँ का जो एवरेज पैकेज गया है ना वो 3 से 4 लाख तक ही गया है, और जो हाइएस्ट पैकेज है वो 10 लाख तक है। लेकिन ऐसा भी बताया गया था कि एक दो रिव्यूज़ में मैंने ऐसा भी जाना था कि अभी ही रिसेंटली एक दो मतलब अभी ही एक दो साल पहले ही इनको 3 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है, वो मैं नहीं बता सकती सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं, लेकिन वो रिव्यू आया गया था, एक दो बच्चों ने वो भी दिया था। बाकी 10 लाख तक तो आप समझो कि गया ही है इनका, 10 लाख तो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया ही है। यहाँ का अगर पॉजिटिव पॉइंट और भी कुछ बताऊँ तो फैकल्टी मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत में नाइस, बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैंने बता दिया, उसमें ध्यान दिया जाता है, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लैब बने हुए हैं, तो प्रैक्टिकल वो सब चीज़ें करवाई जाती हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ये भी है कि मोनोपोली इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ऑटोनॉमी है स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग फ्री हो डिसीजन वगैरह लेने के लिए, इतना ज़्यादा मतलब रिजिड टाइप का रूल्स है और इतना डोमिनेटिंग टाइप की वो नेचर का नहीं बना हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो ये यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बताऊँ कोई इसके ड्रॉबैक क्या क्या है, तो यहाँ पे बहुत सा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज़्यादा अननेसेसरी होता रहता है, बहुत ही पेपर वर्क होता रहता है, भले आप एडमिशन ले रहे हो, कोई और भी चीज़ें रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो उसमें बहुत
ज़्यादा झंझट आता है कि यार क्या कैसे मतलब आपको भटकना पड़ता है बहुत, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट के लिए, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और अगर ड्रॉबैक बताऊँ तो यहाँ की फ़ीस तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट कॉलेज है तो हाई है, यहाँ की फ़ीस थोड़ा मतलब ज़्यादा आ जाती है यहाँ की फ़ीस, तो वो इसकी ये बात हो गई। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा भी माना जाता है कि लोकेशन जो है थोड़ा बहुत ऐसा है कि थोड़ा सुनसान एरिया टाइप का है लोकेशन, तो ठीक है मतलब आने जाने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है, कम ही स्पेस में है, लेकिन फिर भी थोड़ा लो सुनसान टाइप का एरिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नहीं आप मतलब वो पेरेंट्स या बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार इतना दूर ऐसा ऐसे एरिया में कौन जाएगा, तो ये भी यहाँ का ड्रॉबैक आता है। मैंने और ये भी पढ़ा था यहाँ पे कि यहाँ के बच्चे जो बोल रहे थे कि यहाँ की एनवायरमेंट जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो कि मेजर फैक्टर आप बोल सकते हो कंस्ट्रेंट का यहाँ का, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि यहाँ पे पुअर स्टूडेंट क्वालिटी है, कि इन लोगों को ऐसा बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि आपको इनपुट जितना चाहिए हर साल कि हमको इतने सीट्स इनटेक करनी है, इतनी सीट्स फिल करनी है, तो उतनी सीट्स वो फिल करते हैं, भले एडमिशन बच्चे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो वो एवरेज स्टूडेंट्स हो या जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए हों, थोड़े पुअर स्टूडेंट्स हो, तो उनको भी एनरोल करवाए जाते हैं, तो इतना कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट ओरिएंटेड टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता है, जो कि आप बोल सकते हो मेजर ड्रॉबैक है ऐसा रिव्यूज़ में, बहुत रिव्यूज़ में मैंने देखा है, तो वो बताया गया था यहाँ पे। तो ऐसा ही रहता है कि वो 99.5% स्टूडेंट्स जो हैं अपने ही मतलब इलाके के ले लेते हैं, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो अपने ही स्टेट्स के वो लोग स्टूडेंट्स हैं बोल कर लेते हैं, और जो इतने ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं हैं कहीं मतलब स्टूडेंट एवरेज से भी कम है तो वो ले लेते हैं ये लोग, तो वो भी ड्रॉबैक बहुत बड़ा है। और इसके कारण क्या होता है कि बच्चों को भी ना डिफ़िकल्टी स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं है उसके कारण एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलता है, इसके कारण भी आता है, और खुद के स्टेट्स के ज़्यादा बच्चे हैं तो जो टीचर्स रहते हैं लोकल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बाकी के जो अदर स्टेट्स के हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्टी आती है कि ये क्या बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आ जाती है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करने में या इन सब चीज़ों में। तो ये मैंने पूरा कवर कर लिया है इस कॉलेज के बारे में, होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मैंने आपको प्रोवाइड की होगी, तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, और भी अगर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए, अगर आप इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, और हमने एक फॉर्म भी दिया है उसमें भी आप अपने रिव्यूज़ डाल सकते हो, आपका कुछ भी रिवील नहीं होगा, आपका हिडन रहेगा रिव्यूज सब कुछ। मैं बस चाहती हूँ कि बाकी बच्चे जो सच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसको उनको एडमिशन से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पता पड़े, जो उनको नहीं मिल पाएगी डायरेक्टली, कोई और नहीं बता पाएगा जो स्टूडेंट खबरी उनको बता रहा है, तो आप जल्द से जल्द वहाँ रिव्यू देना ताकि अगले वीडियो में मैं उस वो रिव्यूज़ के साथ आप तक आ पाऊँ। और स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस, थैंक यू।